नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गहलोत सरकार ने राजस्थान पटवारी, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस और अध्यापकों की भर्ती की घोषणा की है। और आज इस खबर में उस घोषणा की जो न्यूज आई है पत्रिका में, वो आपको पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो देखिए, और अगर आप नए हो इस चैनल पर स्टडी टाइम्स पर, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी टाइम्स पर ऑफिशियल और सही न्यूज़ आपको तुरंत मिल जाती है। तो चलिए हम पूरी खबर को पढ़ते हैं। तो ये हेडिंग आई है खबर की, ग्विट जॉब 2019 जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया। तो हम नीचे इस खबर को पूरी को पढ़ते हैं और वो खबर भी आपको दिखाएंगे। तो पहले ये खबर देख लीजिए कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि सरकार जल्द ही कॉलेजों 830 शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेज दी है और वैकेंसी शीघ्र ही निकल जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में पीटीआई और लाइब्रेरियन जैसे पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसमें पदों के वर्गीकरण को लेकर बात चल रही है। राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष एवं उद्घाटन समारोह में भाग लेने जोधपुर आए भट्टी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों रिक्त पदों को प्रभावी तरीके से भरा जाएगा। इस साल में कॉलेजों में मुफ्त होगी छात्रों की शिक्षा। कॉलेजों में जो छात्राएं हैं उनकी शिक्षा मुफ्त होगी। भाटी, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, ने कहा कि राज्य सरकार इसी स्तर से प्रवेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। इसकी घोषणा संभवतः नए बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। भाटी ने जोधपुर के एक मत राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में कर्मोन्नत करने की भी आश्वासन दिया है। तो आगे पढ़ते हैं, जो घोषणा हुई है इन विभागों की वो हम आपको बता रहे हैं, जो ग्राम सेवक और पटवारी सभी पदों के लिए। तो इन विभागों में भी निकलेगी ग्विट जॉब। यह दोस्तों खबर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकारी नौकरी के वादे किए थे। आपको पता होगा दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरी दिलाने के वादे किए थे सभी को। तो लोकसभा चुनाव के बाद नई भर्तियां जारी की जाएगी। अब ये लोकसभा चुनाव होगा तब इसके तुरंत बाद ये भर्तियां जारी की जाएगी, और फॉर्म अप्लाई लोकसभा चुनाव के बाद होने शुरू होंगे। और राजस्थान पटवारी, इसमें इन भर्तियों का उल्लेख है जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान पटवारी, राजस्थान ग्राम सेवक और राजस्थान में अध्यापक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और लिपिक सहित सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। तो ये खबर है दोस्तों कि राजस्थान पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक, पुलिस कांस्टेबल और लिपिक सहित सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जाइए। तो दोस्तों, आप इन भर्तियों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पटवारी में तो जो ग्रेजुएशन बेस पर है, और राजस्थान पुलिस 10वीं के बेस पर होगी, और ग्राम सेवक और अभी तक इनका आया नहीं है विज्ञप्ति पूरा। तो अध्यापक, जो आपको पता है, और ये भर्तियां निकलेगी, और इसलिए अप्लाई करने के लिए और इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव होंगे उनके तुरंत बाद ये भर्तियां निकाली जाएगी और पूर्ण कराई जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये खबर बताने की कोशिश की जो आज ये खबर आई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो स्टडी टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑफिशियल और सही न्यूज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।